एसएस का ये जो है शाफ्ट है, यहाँ पे इसका बैरिंग सीट ये लूज़ हो गया है, ये लूज़ हो गया, इसको मैं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगा दोस्तों एसएस के राड से। ये देखिए ये है एसएस का राड, मैं इस राड से बनाऊंगा। पर यहाँ पे बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर हम एसएस के शाफ्ट पे एसएस की वेल्डिंग कर देंगे तो ठंडा होने के बाद से वो हार्ड हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। वो लोग क्या करते हैं अक्सर जो इस पर एमएस की वेल्डिंग करते हैं, और एमएस की वेल्डिंग करने के बाद से वो जब ये हार्ड कटता है तो उनको ये लगता है कि एसएस की वेल्डिंग तो इससे भी ज़्यादा हार्ड कटेगी, पर नहीं है ऐसा दोस्तों। क्या होता है कि जब भी ये एसएस के शॉप पे आप बैरिंग सीट बनाए वहाँ पे एसएस की वेल्डिंग करें तो वो जो कटिंग होगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। अगर वहाँ पे भूल से भी आप अगर एमएस की वेल्डिंग मार देते हैं एसएस के शॉप पे तो बहुत ज़्यादा हार्ड कटता है। ठीक इसी तरीके से अगर जब अपना एमएस की वेल्डिंग एमएस के शॉप के ऊपर एसएस का जो वेल्डिंग करते हैं वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जबकि एमएस नॉर्मल होता है। मतलब एसएस के शॉप पे आपको एसएस का रॉड यूज करना है, एमएस पे आप चाहो तो एसएस का यूज कर सकते हो, थोड़ा सा हार्ड कटता है, पर एसएस के शॉप पे आपको हमेशा एसएस का ही रॉड यूज करना है। अगर एमएस का आप यूज कर दोगे तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड हो जाता है और बैरिंग सीट वहाँ चाहे कुछ भी थ्रेड बनाने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हमेशा एसएस का यूज कीजिए, वहाँ पर उसका सीट का क्वालिटी बढ़िया रहेगा और इसके साथ दोस्तों हार्ड नहीं होगा।